आज बड़ी खबरों की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले नजर आपको दिखाते हैं दिल्ली की। ये तस्वीरें हैं अजीत डोभाल, एनएसए अजीत डोभाल। जहां जहां दिल्ली में बवाल मचा, दो दिन में हंगामा हुआ, अब जायजा ले रहे हैं। स्वयं एनएसए के द्वारा जायजा लिया जा रहा है। इससे पहले लगातार कल देर रात तक मीटिंग भी चलती रही और कल भी जायजा लिया गया था। हिंसाग्रस्त इलाकों में एनएसए अजीत डोभाल नजर आ रहे हैं, वो जायजा ले रहे हैं और अधिकारियों से भी सवाल जवाब कर रहे हैं कि फिलहाल स्थिति कैसी है, इसका निरीक्षण भी वो खुद कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं एनएसए अजीत डोभाल स्वयं उन क्षेत्रों में गए हैं जहां पर हिंसा हुई थी, जहां पर उपद्रव किया गया था, आगजनी की गई थी, तोड़फोड़ की गई थी, एक दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इस हिंसा में, उपद्रव में। सीए के विरोध के नाम पर जिस तरह से उपद्रव किया गया, क्या कुछ नुकसान हुआ, किस तरह से आग लगाई गई, इस पूरी स्थिति को समझने के लिए स्वयं एनएसए अजीत डोभाल दिल्ली की सड़कों पर निकले हैं और उन क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं जहां जहां हिंसा हुई थी। लोगों से बात करके भी स्थिति का अंदाजा ले रहे हैं कि क्या कुछ घटनाक्रम किन हालातों में हुआ, उसको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बाजार अब भी बंद है, वो क्षेत्र जहां पर कर्फ्यू भी लगाया गया है और उसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही चाक चौबंद है। और अब एनएसए अजीत डोभाल स्वयं जायजा ले रहे हैं हिंसाग्रस्त इलाकों का। लोगों से मुलाकात भी उन्होंने की है। ये मंजर आप देखिए, ये मंजर गवाही दे रहे हैं कि किस तरह मंगलवार और सोमवार को इन क्षेत्रों में उपद्रव किया गया। पत्थर सड़क पर पड़े हुए हैं, जमकर पत्थरबाजी हुई थी, आगजनी, तोड़फोड़, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान। तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर इनके सामने आए हैं। ब्रह्मपुरी का इलाका है, खुद एनएसए चीफ साहब पैदल जो है पूरी रोड पर बना रखा है, घटना हुई है। बातचीत कर रहे हैं एनएसए अजीत डोभाल, लोग घटनाक्रम का भी वर्णन कर रहे हैं। इस तरह से क्षेत्र में आगजनी की गई, तोड़फोड़ हुई, हिंसा फैलाई गई। लोग नुकसान की जानकारी दे रहे हैं और किस तरह से दो दिन गुजरे हैं पिछले। स्वयं एनएसए अजीत डोभाल लोगों से बातचीत कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह के हालात उस वक्त रहे होंगे। लोग भी बड़ी बेबाकी से पूरे घटनाक्रम का वर्णन कर रहे हैं और यहाँ पर मीडिया की लगातार कोशिश है कि अजीत डोभाल का रिएक्शन सुना जाए। इस बीच आप देखिए वो क्षेत्र, दुकानें सारी बंद है और अब एनएसए अजीत डोभाल इस क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं, हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं कि किस तरह की स्थिति है। और स्वयं उन्होंने ही लोगों से बातचीत भी की है। तो दिल्ली में पिछले दो दिन बड़े भारी गुजरे हैं, लोग दिल्ली पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाते हुए। Thank you.
हमने जो काम करना है मैं कर लिया पहले। तो दिल्ली पुलिस ने मोर्चा संभाला था, दिल्ली पुलिस का एक एएसआई इस हिंसा में शहीद भी हुआ था और अब हिंसाग्रस्त इलाकों में एनएसए अजीत डोभाल स्वयं जाकर स्थिति की जानकारी ले रहे हैं।